प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से तंबाकू गुटखे का चल रहा है अवैध तरीके से कारोबार, जिसके चलते पुलिस कार्यवाही के नाम पर सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में लगी हुई है, जिससे गुटखा माफिया अपनी सत्ता की रंगदारी से चलते पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। इसी के चलते जनपदों में जगह जगह पर चल रहा है गुटखे का अवैध कारोबार। वहीं जनपद महोबा हमीरपुर क्षेत्र के गाँव एवं कस्बों में मुस्कुरा राट सरीला मौदहा चरखारी खरेला में अवैध गुटखा फैक्ट्री आसपास के कस्बे में चल रही है। तंबाकू मिश्रित गुटखा अवैध फैक्ट्री का कारोबार जोरों पर है। गुटखा माफिया उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करते हुए अपनी दबंगई से गुटखा माफिया हाईकोर्ट के आदेशों को खुली चुनौती दे रहे हैं। हम बताते हैं कि पुलिस के भ्रष्टाचार से फल फूल रहे हैं अवैध गुटखा फैक्ट्री के मालिक। अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाने वाले दबंग सत्ताधारी राम कुमार गुप्ता, कल्लू गुप्ता ग्राम बेलगांव, मुस्कुरा बबलू महाराज व प्रमोद गुप्ता पुत्र लल्लू गुप्ता चरखारी एवं अन्य कई लोग मिलकर चला रहे हैं अवैध फैक्ट्री। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने दबंग सत्ताधारी लोग चला रहे हैं अवैध गुटखा फैक्ट्री। पुलिस कर्मचारियों के देखने के बावजूद भी अनदेखा कर रही है पुलिस अधिकारी। अब देखना यह है कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर इसी तरह चलता रहेगा ये गुटखे का अवैध कारोबार। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही जेटवारा थाना अंतर्गत पावर हाउस सराय भीमसेन से होती है सप्लाई। ग्राम सभा उदापुर ग्रामीण जर्जर तारों से परेशान हरिओम श्रीवास्तव के घर के सामने गया हुआ है, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आए दिन मरम्मत होने के बावजूद टूट कर गिर जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कई बार की गई, परंतु क्षेत्र कर्मचारी एवं विभागीय कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। विद्युत विभाग में जो संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं क्षेत्र में, उनसे भी बात की गई तो वो भी लेन देन की बात करते हैं। क्षेत्र कर्मचारी लेन देन के चक्कर में मरम्मत करके चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बाद बारिश या तूफान आता है तो वह तार टूट कर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी घटना का दावत दे रहे हैं। टूटे हुए तार की फोटो एवं वीडियो एवं ग्रामीणों द्वारा शिकायती पत्र कई बार दिए गए, परंतु उसकी रिसीविंग प्राप्त नहीं हुई। आखिरकार तार दुरुस्त नहीं हुआ तो संपूर्ण क्षेत्रवासी जिलाधिकारी के यहाँ धरने पर बैठेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने भिटोरा ब्लॉक परिसर में कैंप का आयोजन किया। आपको बताते चले कि जब से फतेहपुर की कमान डीएम संजीव कुमार ने संभाली है, तब से लगातार फतेहपुर विकास की ओर बढ़ता नजर आता है। जिलाधिकारी के द्वारा कभी अचानक निरीक्षण कभी वृक्षारोपण कार्यक्रम, हाल ही में मई के महीने में फतेहपुर जिला नीति आयोग गठन में फतेहपुर को दूसरा स्थान मिला है। सोमवार को भिटोरा ब्लॉक में डीएम संजीव कुमार ने कैंप का आयोजन भी किया। कैंप में ग्रामवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड व गोल्डन कार्ड। यह कैंप पहली बार आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में सरकारों ने इस तरह के कैंप नहीं लगाए हैं। जनपद के सभी विकास खंडों में यह कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे जन कल्याण योजनाओं का लाभ लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन के तहत दंपति युवक दिव्यांग होने पर 15,000 और वही युवती विकलांग होने पर 20,000 धनराशि दी जाएगी। इसमें चिन्हांकन हो जाए और उसके लिए सभी फॉर्म सबमिट करा लिए हैं। इसमें ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी फॉर्म प्राप्त होंगे विभिन्न स्कीम के, उसका एक रजिस्टर कराया जाएगा। रजिस्टर में वो डिटेल रहेगी, ताकि हम ऊपर तरफ से मॉनिटर करा सकें कि जितने फॉर्म दिए गए थे उनमें क्या क्या कार्रवाई की गई, कोई फॉर्म मिसप्लेस ना हो जाए। क्योंकि इसके बाद अगर आपके फॉर्म में रजिस्टर नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोगों को बड़ी सहायता होगी। ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड लेखा जी का अच्छे से रहे। और तो एक समस्या अभी माननीय विधायक जी ने बताई है कि लेखपाल उपस्थित नहीं है तो आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लग पा रहा है या आय की रिपोर्ट नहीं लग पा रही है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो खंड विकास अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी है उससे हमने निर्देशित किया हुआ है कि जिन भी लाभार्थियों को जो आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट की आवश्यकता है वो सूची बना के संबंधित तहसील सदर में भेज देंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टीम ने वृक्षारोपण कराया। ओबीसी की टीम ने पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान ओबीसी का पूरा स्टाफ और स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। ये किस विषय में प्रोग्राम रखा गया? ये आज जो है वो हमने पर्यावरण के हित में ओरिएंटल बैंक की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। हमारे एवेन्यू स्कूल के साथ कोलाबोरेशन करके, आप हमारे एवेन्यू स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं और दोनों ही लोग मिलकर के ये
वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों में और समाज में। ये किस विषय में प्रोग्राम रखा है? ये जो एवेन्यू इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ जो प्लांटेशन ड्राइव हुई है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हमारे मैनेजर सर मिस्टर पुनीत ना उनके सारे टीम मेंबर्स आज यहाँ पर हमारे स्कूल में प्लांटेशन करने के लिए आए हैं। इट्स रियली अ प्लेजर फॉर अस टू हैव कम ओवर हियर एंड दिस प्लांटेशन ड्राइव हैज एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड आवर स्टूडेंट्स सच अ लॉट कि दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड यू कैन सी दैट दे आर ऑल विद द प्लांट्स इन देयर हैंड विद द ऑल कोटेशंस इन देयर हैंड। और हमारे स्टूडेंट्स ने आज प्रॉमिस किया है कि हम जब भी कुछ किसी का बर्थडे होगा कुछ करें कुछ गिफ्ट करेंगे तो वी विल गिफ्ट अ प्लांट। गिफ्टिंग अ प्लांट मींस गिविंग लाइफ टू वन। दैट्स रियली अ प्लेजर फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। सावन के दूसरे सोमवार को टेढ़ेश्वर नाथ पर श्रृंगार पूजा के साथ लगे भोलेनाथ के जयकारे। सावन के दूसरे सोमवार को टेढ़ेश्वर नाथ पर श्रृंगार पूजा का आयोजन भी किया गया। चारों तरफ भक्तों की भीड़, महादेव के जयकारे लग रहे थे। धूमधाम से पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। भक्तों ने ठंडाई पीकर भोलेनाथ के जोर शोर से गुणगान भी किए। इस आयोजन में मुख्य रूप से राजमणि तिवारी, पूतन तिवारी, पारुल गुप्ता, सज्जन मिश्रा, अभय मिश्रा आदि भक्त मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपू अवस्थी की रिपोर्ट, शाहबाद।